वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं अविनाश आप लोगों के बीच ग्रामर सीरीज का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें एडजेक्टिव का हम लोग आज थर्ड क्लास करने वाले हैं। यानी एडजेक्टिव का एक इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था और एक हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल एडजेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो आज हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उसका नाम है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। यानी कि एडजेक्टिव का तीन डिग्री हम लोगों को टीचर ने पढ़ाया होगा बेसिक क्लास में, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पिटेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जो होता है वो क्या होता है ना कि कंपैरिजन दो नाउन का होता है या दो प्रोनाउन कह सकते हैं, है ना। जब दो नाउन है तो दो प्रोनाउन भी तो आ सकते हैं ना, तो कंपैरिजन दो नाउन या दो प्रोनाउन का होता है। कंपैरिजन क्या चीज का होता है, तो इक्वालिटी का होता है या तो नो इक्वालिटी का होता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए, जैसे कि आपने कहा He is as tall as I am. क्वेश्चन का हिंदी क्या है जरा कंपैरिजन करिएगा। वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं लंबा हूं। यानी जो क्वेश्चन का हिंदी सेंस है उसमें क्या हो रहा है ना, he का कंपैरिजन I से किया गया है और दोनों का इक्वालिटी का कंपैरिजन किया गया है। तो हमने क्या यहां से स्टडी किया कि as tall as जो यूज हुआ है उसमें टॉल जो है वो कौन सा डिग्री का हो गया कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव डिग्री का कॉम्बिनेशन हो गया। फिर कह रहा है कि नो इक्वालिटी का सेंटेंस दिखाइए सर, तो चलिए देखते हैं, ले लेते हैं इसको उल्टा करके। आई एम नॉट सो टॉल एस ही इज। अब जरा क्वेश्चन का हिंदी समझिएगा तो क्या हो रहा है, पहले हिंदी हो रहा था कि वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं हूं, अब हो रहा है क्या कि मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना कि वो है। समझ रहे ना, क्वेश्चन का हिंदी सेंस क्या हो गया यहाँ पे कि वह जो है उतना लंबा नहीं है जितना कि मैं हूं, या मैं उतना लंबा नहीं हूं जितना कि वो है। यानी क्वेश्चन में आई अपने बारे में बोल रहा था कि मैं ही से या तो बराबर लंबा हूं या तो कम हूं, उससे ज्यादा नहीं हूं। तो क्वेश्चन में हम लोग अगर ये सेंस रखते हैं तो ऐसे सेंस में हमको पॉजिटिव डिग्री की याद आनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये डायग्राम यहाँ पे स्टडी करने के लिए दिया था। चलिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन जो सीखा है उसको निकालते हैं कि यहाँ पर हो रहा था आपका पॉजिटिव कंपैरिजन इक्वालिटी का और यहाँ पे पॉजिटिव कंपैरिजन नो इक्वालिटी का। और हमने कुछ कॉम्बिनेशन सीखा यहाँ से कि एज और एज का प्रयोग होता है पॉजिटिव कंपैरिजन में, और सो और एज का प्रयोग कब हो रहा है जब क्वेश्चन में निगेटिव कंपैरिजन है तब। तो चलिए हम लोग इसको एक पॉइंट के तौर पर नोट कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास, इसका एग्जांपल जो मैंने आपको समझाया था उससे जो पॉइंट निकाले हैं उसको पहले नोट करा देते हैं। क्या सीखे, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव कंपैरिजन है तो पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, एज, पॉजिटिव डिग्री और एज का। फिर किसी ने बोल दिया कि अगर क्वेश्चन में निगेटिव निगेटिव, इसको ऐसे भी करते हैं सिंपल के तौर पे, निगेटिव अगर कॉम्पेरिजन आपको करना है तो निगेटिव कॉम्पेरिजन करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे थे, तो सो पॉजिटिव डिग्री और एज का। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, गांठ बांधना पड़ेगा। चलिए, पॉजिटिव डिग्री के कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मैं, इसको मिटा सकते हैं। चलिए, साफ कर लिया मैंने थोड़ा सा, एग्जाम्पल आप लोग लिखते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल नंबर वन टू था, अब थ्री आपके पास है। आई एम वेरी ब्लैंक स्पेस एट, किसी ने कह दिया मैथमेटिक्स, ठीक है। अब कहना क्या चाह रहा था, वो कहना क्या चाह रहा था, देखिए ये ऑप्शन नंबर एक में गुड और ऑप्शन नंबर दो में बेटर और ऑप्शन नंबर तीन में क्या बेस्ट। कहोगे सर ये तो पढ़ने में ही अच्छा लग रहा है कि आई एम वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, लेकिन हम लोगों को कॉम्बिनेशन सीखना था कि हमने जब वेरी वर्ड के बाद रखना पसंद किया तो कौन सा वर्ड, गुड। गुड इज ए पॉजिटिव डिग्री वर्ड, कॉम्परेटिव फॉर्म इज बेटर, सुपरलेटिव फॉर्म इज बेस्ट। तो मुझे क्या समझ में आया
वो हम यहाँ पे फिर से नोट करेंगे। दो पॉइंट ये सीखे थे, तीसरा पॉइंट सीखे कि क्वेश्चन में अगर वेरी का प्रयोग किया गया है तो ये अपने बाद कौन सा डिग्री लेके आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए तो आंसर यहां पे फिल कर लेंगे डायरेक्ट, ऑप्शन से बेहतर होगा। चलिए और कुछ सिखाता हूं आपको चौथे एग्जांपल में। लिखा हुआ था टी इज टू हॉट टू टेक, क्वेश्चन लिखा था कि चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि हम चाय ले नहीं सकते, अभी थोड़ी देर बाद लेंगे। क्वेश्चन का हिंदी सेंस क्या हुआ कि क्वेश्चन में आपको टू के बाद रखना था डिग्री, समझेगा। अब यहां जो बिताया हमने उसकी बात करते हैं। चलिए टी की बात हो रही है तो टी सिंपल में देते हैं, और क्या हो रहा है कि जो चाय अभी आप पीने को पीने कर रहे हैं, थोड़ी देर जो बाद हम चाय पिएंगे, दोनों तो चाय एक ही है, लेकिन अभी अपना ज्यादा गर्म है और थोड़ी देर बाद जो हम पिएंगे उसके तुलना में थोड़ा क्या होगा, ठंडा होगा। तो क्वेश्चन में कंपेरिजन हो रहा है क्या चीज का, एक ही चाय का ना, तो जब एक ही चाय का कंपेरिजन हो रहा है तो हमें समझना चाहिए कि क्वेश्चन में दो आदमी के सेंस में आता था पॉजिटिव डिग्री, और एक आदमी के सेंस में पूछेगा तो भी क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डिग्री। क्लियर, दो आदमी के लिए भी पॉजिटिव डिग्री जब इक्वालिटी का कंपेरिजन करना होता था तो, और जब एक ही आदमी का दो बार चर्चा रहेगा तो भी कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। इसलिए टू हॉटर नहीं टू हॉट, अब बोलने में भी अच्छा लगता है जो ही लेके जाओ, यानी टू भी अपने साथ कौन सा डिग्री लेके आ रहा है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, चलिए तो तीन और चार हो गया, अब हम मिटाते हैं इधर साइड वाला और फिर से आपके लिए दो एग्जाम्पल आते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर आपका चार खत्म, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर फाइव की बात करते हैं। देखिएगा एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, वो बताते हैं आपको। द राफ्ट, राफ्ट का मतलब होता है लकड़ी वगैरह के माध्यम से तैयार किया गया नाव। द राफ्ट इज ब्लैंक स्पेस टू होल्ड ऑल ऑफ अस, राफ्ट यानी नाव, कि राफ्ट जो है हम सभी को ले जाने के लिए काफी मजबूत है। ऑप्शन आपको दे दिया गया, चलिए ऑप्शन आपको यहां पे दे रहा हूं, टू अ स्ट्रॉन्ग, और दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं अ स्ट्रॉन्ग इनफ। अब स्टूडेंट का जवाब आएगा कि सर सिंपल सी बात है, हमारे सर ने हमको सिखाया है कि टू का यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ में और आगे जाकर के क्या होना चाहिए, टू प्लस वी वन। लेकिन आपके सर ने थोड़ा सा और सिखाया होगा कि जो पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है वो कैसा एडजेक्टिव होता है, ज्यादातर निगेटिव क्वालिटी का एडजेक्टिव होता है। जैसे यहां देखो चाय क्या था, हॉट था, तो देखिये कोई भी चीज जब गर्म है ना तो वार्म है तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन अगर वो हॉट हो जाता है तो हमारे शरीर के लिए खराब हो जाता है, इसको हम लोग निगेटिव एडजेक्टिव मानते हैं। तब हमें सीखना है कि जब निगेटिव एडजेक्टिव रहता है तब पॉजिटिव डिग्री के साथ तो टू लगाते हैं, लेकिन सवाल खड़ा क्या हो रहा है, बिता सकते हैं, सवाल खड़ा यह हो रहा है कि अगर हमें पॉजिटिव डिग्री का ही कोई वर्ड रखना है और यह कैसा वर्ड है, पॉजिटिव, इसी को दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं लाइकिंग, पसंदीदा, पॉजिटिव या लाइकिंग एडजेक्टिव है अगर, तो क्या करेंगे, तो हमको यूज करना है यहां पे कुछ नहीं बल्कि इसके बाद करना है, और वो वर्ड कौन होगा, इनफ। ठीक है, फिर से एक बार कि अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव डिग्री का कॉम्बिनेशन है तो हम जो टू का यूज कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, गलत। अब हम क्या करेंगे, इनफ, और वो भी एडजेक्टिव के बाद, और आगे जाके क्या होगा, टू प्लस भी वन। तो मुझे समझ में आया कि गलत है कि द राफ्ट इज टू होल्ड ऑल ऑफ अस, तो टू अ स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात है तो ये नेगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए क्या होगा आंसर, अ स्ट्रॉन्ग इनफ। ओके, तो आप ये पॉइंट भी ऐड कर लेंगे। चलिए हमने वेरी के साथ, टू के साथ और इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाना सीखा है, तो अब हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव डिग्री को बाय बाय कर सकते हैं। चलो पॉजिटिव डिग्री के कुछ एग्जांपल्स आपके पास हैं, एक बार फिर से देख लो।
गुड बैड बिग हैप्पी हैंडसम पॉजिटिविटी था। जब इनका कंपैरेटिव फॉर्म यूज करते हैं तो सबको पता है गुड का बेटर, बैड का वर्स, बिग में डबल जी लगाते हुए बिगर, हैप्पी का वाई हटा के आई आर लगा के हैपियर, और हैंडसम का उच्चारण करने में साउंड टूट जाता है इसलिए हम लोग इसमें ईयर नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं उसके लिए मोर, तो हैंडसम का मोर हैंडसम। सुपरलेटिव बहुत इजी है, गुड बेटर बेस्ट हो गया, बैड वर्स वर्स्ट हो गया, बिग का बिगेस्ट हैप्पीएस्ट, और हैंडसम का हो गया मोस्ट हैंडसम। चैतन्य चोला कॉलम का कोई आवश्यकता नहीं था, ये बस ऐसे ही था। तो अब लोग पॉजिटिव डिग्री समझ पाए हैं, तो अब इसको पूरी तरह से कर लेते हैं फिनिश, थोड़ा सा स्पेस भी बन जाएगा आपके पास। कॉन्सेप्ट जरूर नोट कर लेना है, टू के साथ पॉजिटिव डिग्री टू भी वन, और इन के साथ भी पॉजिटिव डिग्री टू भी वन, लेकिन एक लाइकिंग एडजेक्टिव और एक डिसलाइकिंग एडजेक्टिव लेकर आने वाला है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉम्परेटिव का। चलो यहां भी साफ कर लेता हूं। अब देखो जो बोर्ड पे बचा है कॉम्बिनेशन उसकी बात करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में फिर से लिखा हुआ है कि कंपैरिजन कितने नाउन का होता है, दो। पॉजिटिव में हमने सीखा था थोड़ी देर के लिए क्या कि हम लोग पॉजिटिव में एक ही नाउन का चर्चा भी कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव में हर हाल में दो नाउन होना चाहिए। चलिए देखिएगा, कंपैरिजन जब होगा ना तो या तो हम किसी को ज्यादा बताएंगे एक को तुलना में और दूसरे को क्या बताएंगे कम, जब एक को ज्यादा बोलेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है, यानी ए अगर ज्यादा है तो बी कम, जब बी ज्यादा है तो ए कम, ये सेंस होगा। मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं। ही इज टॉल देन आई एम, लिखना क्या चाह रहे हैं आप समझ गए कि वो जो है उससे ज्यादा लंबा है, वो बड़ा सेंस आ रहा है। इसका मतलब मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है, कॉम्परेटिव डिग्री, और हमें पता है कि टॉल इज अ पॉजिटिव डिग्री वर्ड, इसलिए क्या होगा टॉल। नेक्स्ट एग्जांपल इसी को उलट देते हैं। आई एम नॉट देन ही इज। चलो अब ऑप्शन अगर आपको पूछेगा कि बताओ जी टॉल होगा कि टॉलर, तो आप कहोगे कि बेवकूफ क्या बना रहे हो, टॉलर ही होगा, क्योंकि क्या लिख रहा है कि मैं उससे ज्यादा लंबा नहीं हूं, यानी वह मुझसे ज्यादा लंबा है। अब कहोगे हो सकता है कि यह भी तो हो सकता है कि मैं उसके बराबर लंबा हूं, यानी इस सेंटेंस को अगर हमको डायरेक्ट भरने के लिए बोल दिया तब तो हम टॉलर भर देंगे, और अगर लैंग्वेज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सेंटेंस गलत है। जब भी आपको नॉट लगाना है तो नॉट लगाने के सेंस में क्या करना चाहिए था पता है, आई एम नॉट, अब याद करो पॉजिटिव डिग्री में क्या किए थे आप, वही काम करो, आई एम नॉट सो टॉल एज ही इज। तो कभी भी जब नॉट लगा रहे हैं और कंपैरेटिव लगा रहे हैं तो इसको स्लैंग माना जाएगा, स्लैंग मतलब सुनने में संगीत जैसा अच्छा लगता है लेकिन होता गलत है, इसलिए क्वेश्चन में क्या होगा नॉट टॉलर लिखने से बेहतर है, क्या लिखें नॉट सो टॉल एज, क्लियर। तो क्लियर हुआ, तो ये एग्जांपल रिवीजन करना है और कॉन्सेप्ट जो सीखे वो निकालते हैं। आप आगे देन देख करके कौन सा डिग्री रख रहे हैं, कॉम्परेटिव, तो चलो सीखे जो निकालते हैं, अगर आगे देन है तो उसके पहले कौन सा डिग्री यूज करना है, कॉम्परेटिव डिग्री, क्लियर हुआ, ओके। अगर क्वेश्चन में आगे नॉट है, देख लो यहां नॉट है और आगे आके देन नहीं होगा, तो क्या कर देते हैं नॉट प्लस देन गलत होगा, किसके साथ में, पॉजिटिव डिग्री के साथ में। तो इस कॉम्बिनेशन की जगह क्या यूज करना है, तो यूज करना है नॉट सो पॉजिटिव डिग्री और एच। चलिए तो ये पॉइंट जल्दी से नोट करते हैं इस एग्जांपल के साथ, एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर टू, तब आगे समझाएंगे आपको। कंपैरेटिव में क्लासेस थोड़ा सा लंबा जाएगा, हो सकता है सुपरलेटिव बात चर्चा में भी ना आए,
चलिए हो गया है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या सिखाना था मुझको। आपने कहा कि हमने कॉन्सेप्ट अभी तक आपको सिखाया है कि आगे देन है तो उसके पहले पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए। जैसे मैंने भेरी लाया था, टू लाया था, इनफ लाया था, वैसे कुछ और वर्ड होंगे ना जिनके साथ हम लोग कौन सा डिग्री यूज करेंगे, कॉम्पिटेटिव। तो चलिए लगाते हैं, एग्जाम्पल नंबर थ्री में आता है। चलो आई से यहां स्टार्ट करते हैं। आई एम मच एट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बस इतना ही था क्वेश्चन में। याद है पीछे था एक क्वेश्चन कि आई एम हेरी है ना एट मैथमेटिक्स, लेकिन इस बार है आई एम मच एट मैथमेटिक्स। तो देखो होता क्या है ना कि मैं और मेरा फ्रेंड चर्चा कर रहे थे कि मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूं। मेरा फ्रेंड हंसता है और कहता है मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं, मैं तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा हूं मैथमेटिक्स में। इसका मतलब है वो कहना चाह रहा था क्या कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा हूं, यानी कि ये वाला सेंस। इसलिए कौन सा डिग्री आना चाहिए था, कॉम्परेटिव। इसलिए क्या होगा, बेटर। अब दूसरा तरीका पढ़ने में भी अच्छा लगता है, वेरी गुड, मच बेटर। तो चलो नहीं अच्छा लगता है तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और यहां पे ऐड कर लेंगे। कॉन्सेप्ट इज मच प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। मच के साथ कौन सा डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री। और एग्जांपल आपको दिखाना है मेरे को, अभी तो शुरुआत हुआ है कंपैरेटिव डिग्री का भाई। एग्जांपल नंबर थ्री का था, एग्जांपल नंबर फोर जाते हैं। सी इज देन, चलो फिलहाल तो कर लेते हैं यू, आर लगाना तो लगा सकते हो क्योंकि आपके सर पढ़ाते होंगे कि देन इज ए कंजक्शन टर्म, कंजक्शन के पहले सी इज था तो कंजक्शन के बाद यू आर लिखना होगा। अच्छा चलो ऑप्शन देते हैं आपको, ऑप्शन आपके पास में है, मोर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर। आपका आंसर क्या होगा, तो कहोगे सर हमको पता है स्ट्रॉन्ग का कॉम्परेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। लीजिए आपको कहेंगे नहीं मुझे लग रहा है कि मोर स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। आप क्या कर रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग का उच्चारण नहीं ध्यान दे रहे हो। स्ट्रॉन्ग वर्ड बोलो, उच्चारण करके देखो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, यानी लग रहा है ना कि कुछ बच नहीं रहा है, एक ही बार उच्चारण निकल जा रहा है। तो जब साउंड एक ही बार में पूरा उच्चारण हो जाता है तब हम लोग क्या लगाते हैं, ईआर। चलो हटाओ ये वाला ऑप्शन, हटाते हैं कुछ और लेते हैं इसके लिए। अब यहां से एग्जांपल लेते हैं जो आप लोग सोच रहे होंगे कि सी को देख करके अभी तक आपने क्यों नहीं लिखा, ब्यूटीफुल। कहोगे सर आज तक हम ब्यूटीफुल पढ़वे नहीं किए हैं तो कैसे भर देंगे, तो क्या भरोगे, तो आप कहोगे कि मोर ब्यूटीफुल। तो हुआ क्या, जरा इसको उच्चारण करते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कितनों स्पीड में करो, ब्यूटीफुल, टूट ही जाना है, यानी साउंड आपका दो बार टूटा, इसी वजह से क्या लग रहा है। चलो अब ये भी हटाते हैं, सी की जगह मान लेते हैं आप ही है। ऑप्शन नंबर एक, हैंडसमर, कहोगे ये कौन सा मौसम है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, मोर हैंडसम, तो यस सर आंसर। कैसे, फिर से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, हैंडसम, कितनों साउंड कर रहे हैं, तो बार बार लगा, फिर से दो बार टूट रहा है, यानी एक से ज्यादा बार टूटा तो मोर लगा। समझ में आ रही है बात, तो आपको ये सब समझ में खुद ही आना चाहिए, हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में हम दे देंगे। हाँ गलती कैसे करेगा, देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत सी समझा रहे हैं, घबरा मत जाना भाई। क्या था यहां, सी था, सी ही घबराने देते हैं। सी इज मोर स्ट्रॉन्गर देन यू आर, तो हमने सीखा था कि स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव कौन होता है, सिर्फ स्ट्रॉन्गर। तो मोर लगाना क्या था, बेवकूफी। तो चलो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग को टीचर लोग को पढ़ाना पड़ता है कि मोर के साथ आगे कौन सा डिग्री यूज होता है, पॉजिटिव, या तो
अगर हम मोर का यूज कर रहे हैं कौन सा डिग्री के साथ में, एडजेक्टिव जिसमें क्या लगा हुआ पहले से किया, तो क्या गलती होगा, मोर गलत होगा। तो मोर के बाद पॉजिटिव डिग्री, जैसे मोर हैंडसम, चलो इसलिए तो मैंने कहा था कि हो सकता है कि सुपरलेटिव डिग्री का चर्चा भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन कंपैरेटिव का कॉन्सेप्ट अगर पूरा कर लेते हैं तो ही काफी है। चलिए अब हम लोग पांचवा एग्जांपल पे आते हैं। बड़ा ही खतरनाक एग्जांपल है, जरा ध्यान देना। मोर स्मार्ट पब्लिक स्मार्ट देन हिज एज या देन यंग लिख दो ना, क्या हुआ जरा गौर करो। अभी तक हम लोग जब क्वेश्चन में कॉम्परेटिव डिग्री लगा रहे थे, देन लगा रहे थे, मोर लगा रहे थे, तो कितने सब्जेक्ट की बात हो रही थी, दो। इसमें कितना सब्जेक्ट का चर्चा है, एक ही। लेकिन इस बार एक ही सब्जेक्ट के एडजेक्टिव कौन कौन से आए हैं, दो। और इसमें क्या हो रहा था, बार बार जब कंपरेटिव लग रहा था, देन लग रहा था, मोर लग रहा था, तो उसमें क्या हो रहा था, दो सब्जेक्ट आते थे लेकिन एडजेक्टिव कितना होता था, एक ही। इस बार उल्टा हो रहा है, सब्जेक्ट कितना हो जा रहा है, एक, और एडजेक्टिव कितना हो जा रहा है, दो। है ना थोड़ा यूनिक, तो ऐसे केस में उनको सीखना क्या है, देखो यहां से हो क्या रहा है, जो पहले नोट करते हैं, कितना सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, और इसके कितने एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव, और उसका क्या करना है हमको, तुलना करना है, कंपैरिजन करना है, क्या करना है, मोर लगाना है और उसके बाद क्या लगाना है, पॉजिटिव डिग्री, और वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री वाला जिसके साथ कॉम्परेटिव बनाने के लिए अक्सर क्या लगाते थे हम लोग पहले, मोर, सॉरी ईयर, जिस पॉजिटिव डिग्री के साथ ईयर लगता था उसी का ईयर हटाना है और मोर लगाना है। बड़ा अजीब है, स्मार्ट का कॉम्परेटिव स्मार्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या होगा आंसर, अब मोर स्मार्ट, थोड़ा तो पेचीदा हो गया ना, चलिए है ना कि ईयर, एडजेक्टिव प्लस ईयर, एडजेक्टिव प्लस ईयर क्या करना है, नहीं लगाना है। एक और एग्जांपल पांच नंबर जैसा चाहिए, चलिए थोड़ा सा और क्लास करेंगे हम लोग, गर्मी बहुत ज्यादा होती है और साथ ही साथ कॉम्परेटिव का सारा कॉन्सेप्ट एक क्लास में संभव मुझे नहीं लगता कभी पढ़ाना। चलिए एक एग्जांपल छे देते हैं, दिस बॉक्स इज देन हैवी, ऑप्शन आपके पास ओल्डर और मोर ओल्ड, क्या दिमाग लगाओगे, कहोगे सर किसकी चर्चा हो रही है, एक ही बॉक्स का, एक तो ये हैवी है और दूसरा ये पुराना है, यानी एक ही बॉक्स के दो एडजेक्टिव्स का चर्चा करना है। क्या सीखे थे, मोर प्लस क्या लगाना है, पॉजिटिव, ईआर लगेगा लेकिन लगाना नहीं है, तो हमें पता है कि ओल्ड का कॉम्परेटिव ओल्डर ही होता है, लेकिन आंसर क्या होगा इस केस में, मोर ओल्ड, सिर्फ तब जब एक ही सब्जेक्ट का दो एडजेक्टिव का कंपेरिजन रहेगा तब। इसलिए पांच नंबर एग्जाम्पल और छह नंबर एग्जाम्पल आपका आज के सेशन का हिट एग्जाम्पल था। ओके, तो सेशन हम लोग यहीं पे आज समाप्त करते हैं, बाकी पीडीएफ आपको मिलेंगे, आप वहां पे प्रैक्टिस करेंगे, टाइप बाय टाइप रहेगा पीडीएफ, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।